आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है 7 एंड 22 टर्म इज 149। हमें सम फाइंड करना है फर्स्ट 22 टर्म का जिसमें हमें कॉमन डिफरेंस गिवन है 7 और हमें 22 टर्म गिवन है 149। चलिए फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी इज इक्वल टू 7 और हमें 22 टर्म दे रखी है। ए 22 इज इक्वल टू 149। ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 149, ये हमारा फॉर्मूला होता है और इसके इज इक्वल टू में 149। ए प्लस एन की वैल्यू 22, 22 माइनस 1 21, डी इज इक्वल टू 149। यहां पर हमें डी की वैल्यू पता है 7, पुट कर देते हैं। ए प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। ए प्लस 147 इज इक्वल टू 149, यहां से हमारी ए की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, हमें फर्स्ट टर्म पता लग गई 2 और हमें फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है फर्स्ट 22 टर्म का। चलिए फाइंड करते हैं। हमें सम फाइंड करना था, सम इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन की वैल्यू 22 अपॉन 2, हमें 22 फाइंड करना था, एस 22 इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू 2 हमें अभी हमने अभी निकाला था प्लस एन माइनस 1, हमें डी की वैल्यू पता है 7। 22 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 11 ब्रैकेट 2 टू जा 4 और हमें एन की वैल्यू भी पता है वो है 22। 22 में से अगर 1 माइनस करेंगे ये आएगा 21 और इसको जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 14 आ जाएगा हमारा फाइनली आंसर 147। अब 11 इंटू इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे ये आएगा 151, इन दोनों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 151 1661। हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।